छोड़िए इनको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, झटके आने दो, एक मिनट के लिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, एक मिनट में झटके अपने आप ठीक हो जाएंगे, मुंह से पानी नहीं देना है, ठीक है, झटके खत्म होने दीजिए, ठीक है। अब जैसे झटके कम हो रहे हैं, यूजली झटके एक से दो मिनट में अपने आप खत्म हो जाते हैं, कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब जैसे देखो झटके अब कम हो गए हैं और अभी खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही खत्म होते हैं आपको क्या करना है, एक करवट लेटा देना है, किसी भी एक करवट ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे करके करें या इस तरफ करें, करवट लेटाना है, झटके के दौरान पकड़ने की जरूरत नहीं है, और जो ये पानी है नहीं पिलाना है, मुंह से कुछ नहीं करना है, कोई चम्मच कपड़ा पानी या जूता सुंघाना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ठीक झटके बंद हो गए हैं, आपने लेटा दिया है, एक बार पूछें होश आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे हैं आप उत्तम, कैसे हैं, कैसे हैं, जीभ दिखाओ उत्तम, जीभ दिखाओ, जीभ दिखाओ, एक बार मुंह खोलो, जीभ दिखाओ, वेरी गुड, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगर मरीज को होश आ रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सेकंड में अपने आप ठीक हो जाएगा, इमरजेंसी में इमीडिएट शिफ्ट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर होश आ जाता है, होश आने के बाद ही पानी पिलाना है। लेकिन अगर दौरे बार बार आते हैं, एक दौरा आया फिर इमीडिएटली दूसरा आ गया, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है, या झटके दो तीन मिनट के बाद भी चले जा रहे हैं, पाँच मिनट चले जा रहे हैं, तो तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना है। पहली बार अगर किसी को दौरा आया है तो उस केस में भी हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा बेटर है, कि क्यों आ रहा है, क्या कारण है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और मैं भी ये अपील करूँगा सबसे कि अगर किसी को भी दौरे आ रहे हैं तो कैसे मैनेज करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये एपिलेप्सी है या मिर्गी की बीमारी है ये बहुत कॉमन आम बीमारी है, और आप अगर नॉलेज है तो उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।